बैजदेही विकासखंड की युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने ज्ञापन दिया है। विभागीय अधिकारी महोदय राजस्व को यह ज्ञापन सौंपा गया है। तो वहीं वृद्धजनों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी मांग की जा रही है। कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान लॉकडाउन लगाया गया है। लगभग 45 से 50 दिन के संकट काल में छोटे व्यवसाय करने वाले दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो बैतूल में 71 वर्ष के वृद्ध जो सब्जी की छोटी सी दुकान लगाए थे, वहाँ विभाग के कर्मचारी ने उनसे उठक बैठक लगवाई है, कान पकड़वा के, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। उसके बाद में यहाँ अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उन्हें गलत ठहराया है। तो वहीं युवा कांग्रेस ने इसकी निंदा की है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बैजदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट। इस संबंध में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। आज हमने अनुभागीय अधिकारी राजस्व को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया गया कि बैतूल में रविवार को 71 वर्ष के वृद्ध भजन वरकड़े, जो कि सब्जी की छोटी सी दुकान लगाते हैं, उन्हें नगर पालिका एवं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनका कान पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई गई। उनकी आयु एवं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे बिना इस तरह का उनके साथ कृत्य किया गया, जो काफी निंदनीय है। युवा कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि जो कर्मचारियों द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए महेश जी, आपने आज अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, किस संबंध में सौंपा? जी, आज हमने एसडीएम सर को ज्ञापन सौंपा, क्योंकि जिस प्रकार से बैतूल जिले में एक 71 वर्ष बुजुर्ग के साथ जो कृत्य किया गया है कर्मचारियों द्वारा, फॉरेस्ट के कर्मचारियों द्वारा किया गया, एवं साथ में नगर पालिका के भी कुछ कर्मचारी थे, उनके साथ जो कृत्य किया गया, उठक बैठक लगाई गई है, जो कि वो उम्र दराज थे, उम्र दराज का ख्याल रखते हुए जिस प्रकार से ये कृत्य किया है, युवा कांग्रेस की कड़ी निंदा करती है। और मैं एसडीएम साहब एवं कलेक्टर महोदय जी से भी मैं मांग करता हूँ कि जिन भी कर्मचारियों ने जिस प्रकार का ये एक वृद्ध बुजुर्ग के साथ जो कृत्य किया है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। जय हिंद।